वाराणसी में होने वाले भारतीय प्रवासी दिवस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आखिरकार क्यों भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जैसा अभी बताया गया कि आज की ये प्रेस वार्ता 21 से 23 जनवरी तक वाराणसी में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के लिए रखी गई है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं सबसे पहले योगी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि यूपी सरकार ने हमारे प्रवासी भारतीय दिवस के लिए सहयोगी राज्य बनना स्वीकार किया और बिना किसी हिचक के बहुत सहर्ष स्वीकार किया। मित्रों, वाराणसी के प्रवासी भारतीय दिवस से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं कि प्रवासी भारतीय दिवस क्या है, क्यों घोषित किया गया। 2003 में जब अटल जी की सरकार थी तो एक दिन चर्चा ये चली कि विश्व में और देशों में भी बहुत से दिन प्रमुख व्यक्तियों के नाम पर या प्रमुख घटनाओं के नाम पर रखे जाते हैं और मनाए जाते हैं। जैसे विश्व में 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, 2 अक्टूबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में और अब 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह भारत में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में, 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा डायस्पोरा यानी बाहर रहने वाले भारतीय और भारतवंशी, इनका इतना महत्व है, क्या कोई दिन हमें इनके लिए समर्पित नहीं करना चाहिए। तो अटल जी ने कहा, विचार बहुत अच्छा है, तो हम निश्चित तौर पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। और 9 जनवरी के दिन को उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में घोषित किया। 2003 में यह दिवस पहली बार मनाया गया और अटल जी ने बोलते हुए ये कहा कि हमने आपको यहां बुलाया है, आपके धन का लाभ लेने के लिए नहीं बुलाया, आपके अनुभव का लाभ लेने के लिए बुलाया है। और 2003 से 2015 तक यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता था। हमारी सरकार जब 2014 में आई तो 2015 में संयोग ये था कि गांधी जी के वापस लौटने का, दक्षिण भारत से वापस लौटने का 100वां वर्ष था और ये 9 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया था कि वो दक्षिण अफ्रीका से उस दिन भारत लौटे थे। तो 100वां वर्ष था, उनके अपने गृह नगर में मनाया जाए, गृह प्रदेश में मनाया जाए, इसलिए गांधीनगर चुना गया था। पहले ही हमारी सरकार के आने से पहले ही चुन लिया गया था गांधीनगर। तो हमारे इस कार्यकाल में पहली बार 2015 में गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। तो जो भी कार्यवाही हुई उसको देखने के बाद जब मैंने उसे अटल जी की इस बात पर तोला कि हमें आपके अनुभव का लाभ उठाना है, तो मैंने पाया कि पूरे 2 दिन के कार्यक्रम में कहीं भी ये नहीं दिखा कि हम उनके अनुभव का लाभ उठा रहे हैं। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि बेहतर होगा कि हम इसे बड़े पैमाने पर जो मनाते हैं उसे प्रतिवर्ष मनाने के बजाय 2 वर्ष बाद बनाएं। तो देखा आपने आखिरकार क्यों प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वैसे आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके राज्य में ये कार्यक्रम होगा। SPN 9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।